श्री देव जी से मेरा एक प्रश्न है कि अविद्या क्या है और अविद्या योग के मार्ग किस प्रकार बाधक है, अविद्या को कैसे समझा जा सकता है और कैसे इसके मार्ग पर अगर कोई बढ़ना चाहता है आगे तो वो बढ़ सकता है, इस शंका का कृपया करके समाधान करें, धन्यवाद। जिज्ञासु श्रद्धालुओं, आज फिर आपका स्वागत है इस दिव्य सृजन समाज के आध्यात्मिक चैनल पर। अध्यात्म अपने आप में बहुत गूढ़ विषय है, कठिन है, कठिन तो नहीं है, सरल ही है, रोमांचक है, क्योंकि ये सारी जानकारियां हमारी अपनी जानकारियां, स्वयं को जानने की प्रक्रिया अध्यात्म है। स्वयं को जानो, यही अध्यात्म है। जो स्वयं को नहीं जान सकता वो कभी स्वयंभू को नहीं जान सकता, वो कभी भगवान को नहीं जान सकता। भगवान के पीछे भागने के पहले स्वयं के पीछे भागना सीखो। स्वयं को कैसे जाना जा सके इसके लिए व्यक्ति प्रयास रहे तो एक दिन वो ईश्वर को भी जान जाएगा, ईश्वरीय सत्ता को भी जान जाएगा, ब्रह्म सत्ता को भी जान जाएगा, क्योंकि उससे अलग कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है अपने भीतर, जो ब्रह्मांड है सोई पिंड, जो ब्रह्मांड में है वो सब पिंड के अंदर, शरीर के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए कहा गया देहस्ता सर्व तीर्थानी, देहस्ता सर्व देवन धाम, देहस्ता सर्व विद्याश्च। देह के अंदर सारे धाम हैं, सारे देवता हैं, सारी विद्याएं हैं। तो इसलिए अंदर उतरने की प्रक्रिया कोई बता दे वो गुरु है, वो संत। तो अंदर जाएं हम अपने चित्त वृत्तियों का निरोध, और पतंजलि योग सूत्र हमें वही सिखा रहा है। तो साधना कैसे शुरू होगी? साधना शुरू होगी तो क्रियाओं से शुरू होगी। क्रियाएं कौन सी? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क तैयार होगा चेतना के वेग को सहन करने के लिए निरंतर अभ्यास से। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा, और जब हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास का लाभ क्या है, क्रिया योग के का लाभ क्या है, क्रिया योग क्यों करना है? क्रिया मतलब एकदम कर्म से शुरू होना है। यद्यपि हमारा लक्ष्य कर्म फल के चक्कर से ऊपर कालातीत अवस्था को प्राप्त करना है, विकल्पातीत, विचारातीत, चित्तवृत्ति निरोध ऐसी अवस्था को प्राप्त करना है, लेकिन हम हैं तो चित्तवृत्तियों के अंदर, तो शुरुआत भी हमें चित्तवृत्तियों से करनी पड़ेगी। इसलिए क्रिया योग वो क्रियाएं हैं, वो टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम साधना के मार्ग पर, वो क्रियाएं जो कि हमारे आम जीवन में जो हम काम करते हैं उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं से संबंधित है, लेकिन करने करने में थोड़ा फर्क हो जाता है। वो सांसारिक क्रिया ही है, वो सांसारिक वर्क ही है, लेकिन वो हमें योग के मार्ग पर आगे बढ़ा देता है, वो हमें चित्त वृत्तियों के निरोध में सहायक होता है। वो क्रियाओं को क्रिया योग कहा गया, वो टेक्निक वो कहा गया है, और उसको करने से क्या होगा? तो योग सूत्र के अंदर, इस पुस्तक में, इस शास्त्र में समाधि की प्राप्ति होगी। और जो विघ्न है, क्योंकि विघ्न तो है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है तो साधारण बात नहीं है, कई विघ्न है, कई रास्ते में कई बाधाएं हैं, उन बाधाओं को पार करना होगा साधना के द्वारा, क्रिया योग के द्वारा। वो क्रिया योग के द्वारा उन विघ्नों को हम पार कर पाएंगे। तो विघ्न कौन से हैं? अब महर्षि पतंजलि एक विघ्न की चर्चा करते हैं, और वो विघ्न क्या है? वो कहते हैं कि क्लेश है जीवन के अंदर, कुछ क्लेश है जो विघ्न के रूप में हमारे जीवन में है, और वो क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश, ये पंच क्लेश है। इस पंच क्लेश की चर्चा महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में भी की है, लेकिन अब उसका विस्तार है। जैसे उन्होंने पंच वृत्तियों का विस्तार किया था, वैसे साधनापाद में पंच क्लेशों का विस्तार कर रहे हैं। सबसे पहली चीज अविद्या क्या है? तो अविद्या के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, वैसे तो नाम से स्पष्ट है, वो कहते हैं कि अविद्या क्षेत्र मुत्रे शाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो वाराणाम। क्या कहा? अविद्या क्षेत्र मुत्रे शाम, अविद्या ही उन शेष चार का उत्पातक क्षेत्र स्वरूप है। उन चारों का, कौन चारों का? देखिए पांच क्लेश बताए गए,
तो ये क्लेश विघ्न है साधना के मार्ग पर, ये क्लेश विघ्न है उस समाधि तक पहुंचने में, ये क्लेश विघ्न है चित्त वृत्तियों के निरोध में और निर्बीज समाधि तक पहुंचने में, परमानंद की अवस्था प्राप्त करने में, ये क्लेश जो है ये विघ्न है। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं क्लेशों को नाश करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा, और उनमें सबसे प्रथम जो क्लेश है, इन क्लेशों को समझना जरूरी है, इनका विस्तार को जानना जरूरी है, इनके भेद को जानना जरूरी है। तो प्रथम क्लेश क्या है? प्रथम क्लेश ही है अविद्या। उन्होंने कहा अविद्या, अविद्या क्या है? और वो ये साथ में एक और बात कह रहे हैं, पांचों क्लेशों का जो राजा है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पांच, नंबर वन अविद्या, नंबर टू अस्मिता, नंबर थ्री राग, चौथा द्वेष और पांचवा अभिनिवेश, ये पांचवा अभिनिवेश उसका नाम है। तो ये अविद्या जो है ये सबकी जन्मदात्री है सारे क्लेशों, अविद्या से ही बाकी चार उत्पन्न होते हैं, अस्मिता उत्पन्न होती है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और अभिनिवेश उत्पन्न होता है। और ये पांच जो क्लेश है ये बहुत बड़े बाधा हैं आपका, आपको भावातीत अवस्था में जाने से रोकने वाले हैं, आपको निर्विकल्प अवस्था में जाने से ये रोकने वाले हैं, समाधि तक पहुंचने में बहुत बड़े बाधा है। और उनमें नंबर वन पर है अविद्या जो सबकी माँ है, सबको जन्म देने वाली। तो ये अविद्या क्या है? तो महर्षि पतंजलि इस अविद्या की व्याख्या करते हैं कि अविद्या वास्तव में क्या है, किसे अविद्या समझा गया, किसे अविद्या कहा गया। तो पहले तो उन्होंने अविद्या के बारे में बताया कि भाई ये पांच हैं, और फिर ये अविद्या ही वो क्षेत्र है जहां से चारों उत्पन्न होते हैं, ये भी उन्होंने बताया, अविद्या की ताकत बताई, अविद्या माता है यहां पर सारे क्लेशों की, जड़ है सारे क्लेशों की, सारी समस्याएं वहीं से पैदा हो रही हैं, अविद्या से पैदा हो रही हैं। और अविद्या क्या है? तो वो कहते हैं अनित्य, अनित्य सुचि दुख दुखनात्म सु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या, अर्थात अनित्य अपवित्र दुखकर और आत्मा से भिन्न पदार्थ में क्रमशः नित्य पवित्र सुखकर और आत्मा की प्रतीति ही अविद्या है। अब देखिए यहां पर, यहां आत्मा का की चर्चा कर रहे हैं, जो आत्म वस्तु नहीं है उसको आपने आत्मा, सीधी सी बात है कि अनित्य सुचि दुखनात्म सु नित्य सुचि सुखात्म ख्याति रविद्या, अर्थात कि उसकी ख्याति, किसकी ख्याति? जो आत्म तत्व नहीं है, जो सत्य नहीं है, आत्म मतलब सत्व, जो वास्तविक रूप है, जो हमारा स्वरूप है वो आत्मा है, उसको जो स्वरूप है हम उसको तो नहीं जानते, लेकिन हम किसी और को अपना स्वरूप मान लेते हैं, हम इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया। तो ये अविद्या है, अविद्या को सीधा अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? इग्नोरेंस। वेदांत शास्त्र के अंदर वो उदाहरण दिया गया कि रस्सी में सांप को देखना अविद्या है, रस्सी पड़ी हुई है, आपने समझ लिया कि सर्प है, आपको अनुभूति क्या हो रही है कि भाई ये तो सांप है, क्योंकि अंधकार है, अंधेरे में आप उसे सांप समझ रहे हैं, सर्प समझ रहे हैं, तो रस्सी को सर्प समझना ही अविद्या है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए प्लेटो, उन्होंने एक विचारधारा दी जिसको कहा गया, एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, इसको कहा गया एलेगरी ऑफ केव्स, अर्थात गुफा का रहस्य, रहस्यमय गुफा। उस गुफा का रहस्य क्या था कि गुफा में कुछ लोग थे और उनके सामने एक दीवार थी, बड़ी सी दीवार, जंजीरों से उनको बांधा गया था, सिर भी इधर उधर घुमा नहीं सकते थे, ऐसा उनको बांधा, बंधन में रखा गया था, बस वो उस दीवार पर देखते थे। अब होता क्या कि भाई पीछे से रोशनी आती काफी तेज, और जब रोशनी आती तो अब उसमें दीवारों पर कई प्रतिबिंब बनते, उस दीवार पर बड़ी सी लंबी सी दीवार, वो जहां भी नजर दिखा दौड़ाते उनको दीवार ही नजर आती थी और कुछ दिखाई नहीं देता था। अब वो दीवार पर बहुत सारे प्रतिबिंब बनते, कोई आदमी कभी कोई डरावनी सी आकृति बनती तो डर जाते, भय पैदा करने वाली आकृति बनती तो भयभीत हो जाते, कुछ पसंद आने वाली चीज उनको दिखाई देती उस दीवार के ऊपर तो वो खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। लेकिन अब वो उसमें रहते रहते वो जो आकृतियां जो बनती हैं दीवार के ऊपर उसी को वो सत्य मानते हैं, उसी को वास्तविकता समझते हैं, यही सत्य है क्योंकि हमें यही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो जानने की कोशिश करता है,
वो किसी विधि से अपनी जंजीरें खोलता है और जंजीरें खोलकर पीछे मुड़कर देखता है, फिर कहता कि अरे सत्य तो कुछ और ही है। तो प्लेटो एक दार्शनिक हुए पश्चिम के, और उन्होंने अपनी एक विचारधारा दे दी अविद्या के ऊपर, इग्नोरेंस के ऊपर। तो उनका कहने का, वो समझाना चाहते थे कि हम संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो क्या है, अविद्या है, अविद्या है। और इस अविद्या के कारण, क्योंकि हमने वही बात महर्षि पतंजलि ने कहा तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानाम समाधिपाद के अंदर, कि अगर हम अपने स्वरूप को नहीं जानते तो क्या होगा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर जो ये वृत्तियां हैं यही हमारे स्वरूप बन जाएंगी, हम इन्हीं को अपना स्वरूप मान लेंगे और फिर वृत्तियां बदलेंगी। कभी हम क्रोध में हैं तो हम बदल गए, हमारे अंदर देखिए ना कितनी चीजें, मन के अंदर कितने विचार है, हमारे अंदर कितना चरित्र है, हमारे कितने चरित्र हैं, सच पूछो तो। हाँ ठीक है, हमको समाज एक चरित्र के रूप में जानता है, लेकिन कर्म संस्कारों का वेग, वृत्तियों का वेग, विचारों संस्कारों का वेग ना जाने कभी हमें चोर बना देता है, कभी हमें हत्यारा बना देता है, कभी हमें लालची बना देता है, कभी हमें संत बना देता है। हमारे अंदर ही अच्छे अच्छे विचार और किसी क्षण में बहुत बुरे विचार आने शुरू हो जाते हैं। कभी हमारे सन में इतनी घृणा, इतना द्वेष भर जाता है कि हम सोचते हैं कि शत्रुता के वश किसी को, किसी की हत्या कर दे, ऐसे यहां तक सोच लेते हो। कभी लालच लोभ के वशीभूत जीव हो जाता है। तो एक चरित्र नहीं है, संस्कारों के कारण कई चरित्रों का निर्माण होता है। यह अलग बात है कि दुनिया किसी व्यक्ति को किसी रूप में जानती है, ठीक, क्योंकि वही उभर के आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, किसी के अंदर अच्छा चरित्र समाज में उभर के आ रहा है, लेकिन मन में तो बहुत कुछ चल जाता है, अनेकों विचार, अनेकों वृत्तियां उठ जाती हैं। वो अलग बात है, वो कर्म का रूप धारण नहीं करती। हम संयम से रहें, वृत्तियों को नियंत्रण में रखें तो हम सदकर्म करने में सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसलिए क्या है सच्चाई, सत्य क्या है? तो इस संसार को सत्य समझ लेना, इस शरीर को सत्य समझ लेना, यह अविद्या है। रस्सी के अंदर सांप को देख लेना, ये सत्य नहीं है, परिवर्तनशील है, ये तो नष्ट हो जाने वाला है, बदल जाने वाला है, ये स्थिर नहीं रहने वाला। इन सब का जो आधार, जो चैतन्य है, जो परम चैतन्य है, वो सत्य है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि अनित्य सुचि दुखारात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या, अनित्य अपवित्र दुखकर और आत्मा से भिन्न पदार्थ में नित्य पवित्र सुखकर और आत्मा के प्रतीति अविद्या है। जो अनित्य अपवित्र दुखकर और आत्मा से भिन्न है, ऐसे पदार्थ के अंदर नित्य पवित्र सुखकर और आत्मा के प्रतीति, अर्थात जो असत्य को सत्य समझ लेना अविद्या है, असत्य को सत्य समझ लेना अविद्या है। तो जब हम असत्य को सत्य मान लेते हैं, रस्सी को हमने समझ लिया कि यही सत्य है, यही सांप है, तो अविद्या है। वो सुनिए ना आपने कि अंगूर खट्टे हैं। अब लोमड़ी थी कोई, वो अंगूर के थोड़े से अंगूर के जो फल थे वो ऊंचाई पर थे। अब उसने जंप किया, कूदी, वो जंप लगाया तो जंप करके वो पकड़ने की कोशिश किया उस अंगूर को, नहीं मिले तो उसने कहा कि भाई अंगूर खट्टे हैं। ऐसी कई कहानियां हैं अविद्या के ऊपर, ठीक है, मत खाओ, अंगूर खट्टे, चारों तरफ प्रचार हो गया जी अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे, अंगूर खट्टे। आसमान गिर गया, एक खरगोश भाग पड़ा कि आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, तो सारे जानवर भाई आसमान गिर गया, भागो 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 सब। जो नहीं है उसको आपने सत्य मान लिया, जो आत्मा नहीं है उसको आपने आत्मा मान लिया। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि ये अविद्या है, इसको अविद्या कहा जाता है, ये अविद्या का कारण है। हम भय, जितने भी वृत्तियां हैं, जितने भी दोष हैं, जितने भी राग द्वेष का जन्म है, अस्मिता का जन्म है, वो अविद्या के कारण हो रहा है, इग्नोरेंस के कारण। हम अविद्या के वशीभूत कई प्रकार के टेंशन ले रहे हैं, कई प्रकार के हम कर्म कर रहे हैं, कई प्रकार के मोह आसक्त हैं, कई प्रकार के राग और द्वेष में हम फंसे हुए हैं अविद्या के कारण। तो इसलिए अविद्या इन चारों की जननी है, अस्मिता राग द्वेष, अस्मिता राग द्वेष और चौथा पांचवा अभिनिवेश, इन चारों के कारण, अस्मिता राग द्वेष चौथा अभिनिवेश, इन चारों की जन्मदात्री अविद्या है। अविद्या के कारण ये पैदा हो जाते हैं, अविद्या के कारण अस्मिता अस्तित्व में आ जाती है, अविद्या के कारण अहंकार अस्तित्व में आता है, अविद्या के कारण मोह
लोभ काम क्रोध लोभ अहंकार जो हम कहते हैं पंच विकार, ये सारे अस्तित्व में आ जाते हैं, राग द्वेष अस्तित्व में आते हैं। तो राग के द्वेष के अंदर ही लोभ मोह काम क्रोध अहंकार हो गए, तो ये सब अस्तित्व में आते हैं अविद्या के कारण, क्योंकि हमने इसे जीवन को सत्य मान रखा है, हमने इसे संसार को सत्य मान रखा है, इनके वृत्तियों के वशीभूत हम हैं, इनके वृत्तियों के वशीभूत हैं। क्रोध में हम क्रोध, जब शरीर छोटा है तो हम बचपन, बड़ा है तो युवा, बूढ़ा हो गया तो हम अपने आप को जवान समझना शुरू कर देते हैं। शरीर है, हम वही व्यक्ति हैं। अगर आप अपने बचपन की चिंता करें कि आप बचपन में कौन सोच क्या सोचते थे, उस समय आपकी सोच कैसी होती थी, विचारधारा कैसी होती थी, तो आप पाएंगे कि आप तो वही हैं जो बचपन में ऐसा सोचता था और अभी ऐसा सोचता है, परिस्थितियों के वशीभूत, मिथ्या परिस्थितियों के वशीभूत। ये अविद्या है, इसके वशीभूत हो जाना, इन मिथ्या परिस्थितियों के वशीभूत, मिथ्या संसार के वशीभूत, मिथ्या मोह के वशीभूत, जो परिवर्तनशील है, एक दिन बदल जाएंगे, ये अविद्या है, इग्नोरेंस है। जो वास्तव में सत्य नहीं है उसको सत्य मान लेना, अनित्य पवित्र सुखकर और आत्मा के प्रतीति होना, जो नहीं है, जो नित्य नहीं है, पवित्र नहीं है, सुखकर नहीं है, उसको नित्य मान लेना, जो अनित्य वस्तु को नित्य समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुखकर को सुखकर समझ लेना, और आत्मा से जो भिन्न है उसको आत्मा समझ लेना, ये अविद्या है। जिसमें सुख नहीं है, जो दुख का कारण बनेगा भविष्य में, उसको सुख मान लेना, यह अविद्या है। इसलिए संसार के प्रत्येक वस्तु जिसमें हम सुख ढूंढते हैं, बाद में वही दुख का कारण बन जाती है, अविद्या के कारण, अविद्या ने हमें फंसा दी। तो इसलिए ये विषय अविद्या से बचना है, अविद्या एक बाधा है साधना के मार्ग में, अविद्या एक विघ्न है, एक क्लेश है, इसलिए पंच क्लेशों में प्रथम है। और साथ ही साथ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये सबको जन्म देने वाली है, यह अविद्या वो क्षेत्र है जहां पर बाकी के पांच जन्म लेते। कहते अविद्या क्षेत्र पुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो वाराणाम, अविद्या ही उन शेष चार का उत्पादक क्षेत्र स्वरूप है, वे सभी लीन भाव से, कभी सूक्ष्म भाव से, कभी अन्य वृत्ति के द्वारा विच्छिन्न अर्थात अभिभूत होकर और कभी प्रकाशित होकर रहते हैं, क्योंकि सब अविद्या के अंदर है। अविद्या के माध्यम से ही सारे राग द्वेष प्रकट हो रहे हैं, अस्मिता प्रकट हो रही है। तो आगे ये अविद्या के माध्यम से कैसे प्रकट हो रहे हैं, राग द्वेष अस्मिता कैसे आ रही है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इग्नोरेंस अविद्या में आ सकती है, अविद्या से अस्मिता आती है, फिर अस्मिता से राग द्वेष आते हैं, किस प्रकार से, क्या श्रृंखला है, अगले व्याख्यानों में हम इसको सुनेंगे। लेकिन आज ये अविद्या क्या है, ये स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में इग्नोरेंस या अविद्या किसे कहा जा रहा है। जो विद्या नहीं है, जो वास्तविक ज्ञान नहीं है, जो मिथ्या ज्ञान है, वो अविद्या। विद्या भी दो प्रकार के होते हैं, परा और अपरा विद्या, उपनिषदों का विषय है ये। तो लेकिन पहले तो ये अविद्या और विद्या की चर्चा है कि विद्या मतलब वास्तविक ज्ञान और अविद्या जो वास्तविक नहीं है, और वास्तविक नहीं है उसमें उसको आपने वास्तविक समझ लिया, जो सत्य नहीं है उसको आपने सत्य समझ लिया, तो यहां अविद्या हो गई, यहां अविद्या हो गई, यहां अविद्या घटित हो गई। अब इसके माध्यम से बाकी समस्या, बाकी विघ्न बाधाएं शुरू हो जाती हैं। तो इन विघ्नों को जानना, महर्षि पतंजलि इन विघ्नों की व्याख्या करते हैं विस्तार से, अविद्या के वो बताते हैं, अस्मिता को बताते हैं, राग द्वेष सबको बताते हैं। तो एक एक कर हम समझेंगे, आज अविद्या को समझे, अगले व्याख्यान में हम समझेंगे अस्मिता क्या है और कैसे अविद्या से प्रकट हो रही है अस्मिता। इसी के साथ आज के विचारों को अभी विराम देते हैं। धन्यवाद।